गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, संतान को जन्म देने से आप जननी और जनक तो बन सकते हैं, पर माता पिता नहीं बन सकते। जननी और जनक बनना अलग बात है और माता पिता बनना अलग बात है। जननी और जनक तो जानवर के भी होते हैं। एक पशु भी अपने बच्चों को जन्म देता है और छोड़ दिया करता है। पशु का बच्चा अपने दम पर जीता है, उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पशु के बच्चे तो वो होते हैं जो पैदा होते ही कुछ देर बाद खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। इंसान का बच्चा सब कुछ सीखता है, चलना भी सीखता है, खाना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, हंसना भी सीखता है और रोना भी सीखा करता है। जानवर के बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जानवर के बच्चे बचपन से लेकर मृत्यु तक जानवर ही रहा करते हैं, वह उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते हैं। एक घोड़ा बचपन से जन्म से लेकर मृत्यु तक घोड़ा ही रहेगा, एक बैल जीवन भर बैल ही रहेगा, एक गाय जीवन भर गाय रहेगी, एक कुत्ता जीवन भर कुत्ता ही रहेगा, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। यदि मनुष्य को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षाएं प्रदान कर दी गईं, तो इंसान से ये भगवान बनने को भी तैयार हुआ करता है। और मनुष्य वह होता है जो पशु से परमेश्वर हो सकता है, मनुष्य वह है जो कंकर से शंकर हो सकता है, मनुष्य वह है जो त्रियंज से तीर्थंकर भी बनकर के दुनिया में आ सकता है। आपके साथ संभावनाएं हैं, इसलिए मनुष्य को सिखाना पड़ता है, बोलना भी सिखाना पड़ता है, चलना भी सिखाना पड़ता है, खाना भी सिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग अपने बच्चों को केवल जन्म देते हैं वो जननी और जनक कहलाया करते हैं, लेकिन जो बच्चों को संस्कार दिया करते हैं, जो जीवन देते हैं, उन्हें माता और पिता का दर्जा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, पशु के माता पिता नहीं होते, वो केवल जननी होती है, जन्म दे के छोड़ देती है। ध्यान रखिए, आप माता पिता, आपकी एक साधना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप समझदार प्राणी हैं, जानवर ना समझ प्राणी है। ध्यान रखना, जन्म देना ही कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, जीवन देना उससे बड़ी प्रक्रिया होती है। जन्म की साधना तो केवल 9 महीने होती है, लेकिन जीवन की साधना तो जिंदगी भर करना पड़ती है, तो भी जीवन कम पड़ जाया करता है। जिंदगी भर की साधना है, एक तपस्या है। मान्यवर, बच्चों को लाड़ प्यार ही नहीं, संस्कार भी दो। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास रुपया है, बच्चा कहता है मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल दे देते हैं।
बच्चा कहता है लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप दे देते हैं, दीजिए मेरा कोई विरोध नहीं है। बच्चा कहता है गाड़ी चाहिए, बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, आप मोटरसाइकिल दिला देते हैं। और बच्चा कहता है कि कार चाहिए, आप कार दिला देते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे बच्चों को ना तो मोबाइल दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मैं लैपटॉप दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मोटरसाइकिल दे सकता हूं, ना मैं तुम्हारे बच्चों को महंगी महंगी कार दे सकता हूं। लेकिन पुलक सागर के इस द्वारा इस यहां पर आएंगे, पुलक सागर के दरबार में आएंगे तो ध्यान रखना, एक कार मैंने भी रखी है अपने पास, और वह एक कार है जो मैं सारे देश को दिया करता हूं। आज तुम्हारा बच्चा रूठे कार के लिए, तो एक बार उसे मेरे पास लेकर के आना, मैं उसे कार दिलाऊंगा। ध्यान रखना, मेरे पास अल्ट्रो तो नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, वेगनार नहीं है, मेरे पास यदि कोई कार है तो एक कार है जिसकी हर घर को आवश्यकता है। और पुलक सागर के पास कोई कार है तो वह संस्कारों की कार है। संस्कार की कार पकड़ा दी जाए तो जिंदगी अपने आप समर। संस्कार की कार वाटा करता हूं, संस्कार की कार में बैठो, जीवन को आनंद में परिवर्तित कर दीजिए। मान्यवाद, सोचना है बच्चों का जीवन बनाने से पहले हमें अपना जीवन बनाना जरूरी है। बच्चे दर्पण है, जो हम करते हैं वो बच्चों को दिखाई देता है, और जो दिखता है बच्चा वही सीखता है। एक बात ध्यान रखना, 21वीं सदी है, ज्यादा औलाद को सिखाने की कोशिश मत करना। तुम कुछ सिखाओगे उससे पहले वो तुम्हें सिखा के रख देगा। समलो इस औलाद से, सबके मुंह लग जाना, बच्चों के मुंह कभी मत लगना। बड़े होशियार होते हैं ये बच्चे, बड़े होशियार होते हैं। आज के युग में 21वीं सदी में मूर्ख बच्चों का पैदा होना बंद हो गया है। अब बुद्धू औलाद पैदा नहीं हुआ करती है, अब तो बहुत समझदार औलाद पैदा हुआ करती है, बड़ी पढ़ी लिखी औलाद पैदा हो रही है। जो तुम्हें नहीं आता वो बच्चों को आ जाता है। हो सकता है कि आपको पूरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता हो और आपकी औलाद खटखट मोबाइल चला करके दिखा दे, आपसे कह देगी पापा तुमको तो कुछ आता ही नहीं। बच्चे बड़े होशियार हैं, बच्चों को ज्यादा सिखाने की गलतियां मत करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक निवेदन है मेरा, ये बच्चों को सिखाओगे तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, सिखाने से नहीं सीखेंगे। एक पति पत्नी मेरे चरणों में आए, छोटा सा बच्चा था। बच्चों ने कहा बेटा महाराज के पैर पढ़ो, महाराज को नमस्कार करो, महाराज को नमोस्तु करो। बच्चा करने को तैयार नहीं, वो तो अकड़ के खड़ा। अरे बोले बेटा नमोस्तु, बोले नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा गजब है भाई, तीन चार साल का बच्चा, वो माँ बाप का कहना मानने को तैयार नहीं। बोले बेटा ऐसा नहीं है, गलत बात, बहुत गंदी बात है, महाराज है, इनको प्रणाम करिए, इनको नमस्कार करिए। बोले नहीं करूंगा नमस्कार। अरे तो बच्चे माँ बाप बड़े शर्मिंदा हुए कि यार महाराज हम करें क्या, ये झुकी नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसे नहीं झुकेगा, ये 21वीं सदी का औलाद है, ऐसे झुकने वाला नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है, बच्चा तो अभी झुक जाएगा। तो बोले कैसे झुक जाएगा बच्चा। मैंने कहा बच्चे के, उसने क्या किया, उसकी मां ने बच्चे की गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती मेरे पैरों पे रख दी। बच्चा गर्दन उठाए जा रहा है, मां बाप गर्दन दबाए जा रहे हैं। मैंने कहा रुको, बहुत गलत तरीका, ऐसे बच्चा प्रणाम नहीं करेगा। छोटा सा था, 3 साल का होगा, 4 साल का। मैंने माँ बाप से कहा बच्चे की गर्दन छोड़ो, बच्चे की गर्दन से हाथ हटाओ। माँ बाप ने हाथ हटाया, मैंने कहा तुम दोनों हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े, बच्चा छोटा सा था, उसने ऊपर देखा मम्मी पापा हाथ जोड़ रहे, बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा अब तुम प्रणाम करो, नमस्कार करो। जैसे ही उन्होंने धोख लगाई, बच्चा भी लेट करके प्रणाम करने लगा। मैंने कहा ध्यान रखना,
21वीं सदी है, ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। जो आप दिखाएंगे बच्चा वैसा सीख जाए। ध्यान रखना है, बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें संस्कार देना, आपको जिंदगी भर तपस्या करना पड़ेगी। बच्चों की परवरिश करो। कैसे करना है उनकी परवरिश? सिखाने से नहीं, दिखाने से। जो आप दिखाएंगे बच्चा वही करेगा। दो बच्चे लड़ रहे थे, मैंने बुलाया, मैंने कहा बच्चे लड़ते क्यों हो? बोले किसने कहा हम लड़ रहे थे? अरे मैंने कहा यार तू उसको मार रहा था, गाल में चांटे लगा रहा था। बोले हम लड़ थोड़ी रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे थे? कोई ड्रामा कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कोई प्रैक्टिस कर रहे थे? बोले नहीं महाराज, हम ना लड़ रहे थे ना कोई ड्रामा कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हो रहा था? तुम मार तो रहे थे उसके गाल में। बोले मैं मार नहीं रहा था महाराज, हम दोनों बच्चे तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे थे। अब विचार करिए। मैंने कहा मम्मी पापा ऐसे होते हैं? बोले हाँ ऐसे ही तो मम्मी को मारते हैं, वही खेल हम यहां पर। ध्यान रखना, जो तुम करोगे बच्चा वही सीखेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, ज्ञानी बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, आप बोल तो देते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, वही काम जब आप करते हैं। ध्यान रखिए, ये जो कैमरा लगा हुआ है ना चैनल का, ये मुझे देख रहा है। ध्यान रखना, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मुझे ये सुन नहीं रहा, ये देख रहा है मुझे। और एक बात याद रखना, छोटे बच्चे को कभी देखना, छोटा सा बच्चा जब धरती पर पैदा होता है ना तो टकटकी लगाकर देखता है। हमारी पलकें ज्यादा झपकती हैं, बच्चों की पलकें नहीं झपकती हैं, वो टकटकी लगाकर किसी भी चीज को देखते रहते हैं। जैसे ये कैमरा मुझे टकटकी लगाकर देख रहा है, अब जो जो एक्शन मैं करूंगा वही वही कैमरा दिखाएगा, वही वही वह ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण करेगा वो टीवी पर ले जा करके दिखा देगा। तो बच्चे की आंख भी एक कैमरा ही हुआ करता है, और जो जो सुबह शाम आप करते हैं बच्चा रिकॉर्ड करते जाता है, और जो बच्चा रिकॉर्डिंग करता है वही बच्चा दुनिया के सामने वैसा प्रस्तुत हो जाया करता है। आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में बड़े होके हमारा सम्मान करे? तो मेरा निवेदन है, आज से ही अपने घर में बड़ों का सम्मान शुरू कर दीजिए। जो आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। ध्यान रखो, अलग से नहीं सीखेगा, तुम्हारे घर की बातें सीखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिला कराया, एक स्कूल में एडमिशन कराया। और जैसे ही पहले दिन बच्चा स्कूल में गया, अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के साथ एक पत्र लिख करके भेजा कि ये पत्र तुम अपने क्लास टीचर को दे देना, और पढ़ने से पहले ये खत उनके हाथ में जरूर पहुंचाना। बच्चा गया स्कूल, जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, क्लास टीचर आए, बच्चे ने कहा कि गुरुदेव सर, ये पत्र मेरे पिता ने आपके नाम लिखा है। होश उड़ गए टीचर के कि राष्ट्रपति का बच्चा मेरे नाम पत्र। उसने पत्र खोला, पत्र में लिखा था, आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज मेरा बच्चा पहली बार स्कूल में आया है, और मेरे बच्चे को आप अच्छी शिक्षाएं प्रदान करना। मैं शिक्षक महोदय से आग्रह करूंगा
कि जब मेरे बच्चे को पढ़ाओ तो ये सोच कर मत पढ़ाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा है, ये किसी देश की ताकत बैठी हुई है, एक इंसान का बच्चा है। मेरे बच्चे के सामने कोई वीआईपी व्यवस्था ना रखी जाए और मेरे बच्चों को केवल अक्षरों का ज्ञान मत देना। शिक्षक महोदय, इसे किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव का ज्ञान ज्यादा प्रदान करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो या ना हो, डिग्री हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस अफसर बन के निकले या ना निकले, लेकिन आपकी शिक्षाओं से मेरा बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बन करके स्कूल से निकले। ये राष्ट्रपति आपसे निवेदन करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, किताबी ज्ञान ही नहीं मेरे बच्चे को सिखाना कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, बुजुर्गों के प्रति हमारे क्या भाव होना चाहिए, और मेरे बच्चे को समझाओ कि छोटों के साथ कैसा रहना चाहिए। और शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को यह मत सिखाना कि जिंदगी रेल की पटरी पर भाग रही है, मेरे बच्चे को एक चीज सिखाना कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। उसे समझाओ कि जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सीढ़ियों का सहारा देकर तुम्हें ऊपर चढ़ाएंगे, और जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपने बनकर सांप के समान डसेंगे और जिंदगी को नीचे ला करके पटक देंगे। जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है, यहां चढ़ाने वाले भी मिलते हैं और यहां उतारने वाले भी प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे बच्चे को समझाना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, सीढ़ी भी मिलेगी और सांप भी मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को ये संस्कार देना कि जब जिंदगी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ी जाए तो अहंकार में भूलना मत, और जब कोई सांप डस ले तो निराशा में जिंदगी को बर्बाद करना मत, ध्यान रखिए। उस शिक्षक के लिए राष्ट्रपति ने निवेदन किया। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता।